हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज जो है क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के पांचवा चैप्टर जिसका नाम है रोज, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। ऐसा करेंगे कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं बिना आंसर के। देखिए, खाली क्वेश्चन लिखे हैं हम, आपको आंसर क्लास में याद करवाएंगे। अगर हम नहीं याद करवाएं तो समझिए कि हम मास्टर नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है तो ये वीडियो देखे के भी कोनो जरूरत नहीं है। आप किताब के क्वेश्चन उठाइए, आपसे सब जो है बन जाएगा। और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। यह कहानी जो है एक लड़की के ऊपर आधारित कहानी है कि विवाह के पहले उसका जीवन कैसा होता है, विवाह होने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। लेकिन आइए इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करते हैं, एकदम आसान भाषा में, याद करे वाला भाषा में जो है हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। जब हम आपको कहानी बताएं तो उसमें मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा ये बताना है। तो एक आसान सिंपल है, सिंपल सा आंसर है, मालती के घर का वातावरण एक साधारण परिवार के तरह हमें लगा। जिस प्रकार साधारण परिवार में बच्चे होते हैं, उसके जो है महिला के पति होते हैं और पति कमाते हैं और महिला जो है घर में गृहिणी का काम करती है और ऐसे ही जीवन बीतता है, यही तो होता है कि नहीं। एक आंसर क्या लिखेंगे कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में बताइए। आंसर आंसर, मालती के घर के वातावरण जो है हमको एक साधारण परिवार के तरह लगा, हो गई आंसर है कि नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो, यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। इतना बड़का क्वेश्चन लिख ले है, आइए आंसर जो है मात्र एक से दो लाइन में होगा, समझे। क्वेश्चन के आंसर सुनिए तनी, और दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही लेखक को ऐसा महसूस होता है कि वह लड़की जो विवाह से पहले चंचल थी, खुश रहती थी और पूरा जीवन मस्ती में अपना बिताती थी, वह लड़की आज पूरा जीवन अपने बच्चे और अपने पति की सेवा में गुजार दे रही है। शाम की छाया मंडराने का यही मतलब जो है लेखक निकालता है, ठीक है। फिर से सुनिए, याद ने होके तो समझिए कि हमारा कुछ नहीं आता है। फिर से, दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो, यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो लेखक जो है जैसे ही उसके घर में पैर रखता है, लेखक को ऐसा लगता है कि वह लड़की जो पूरे विवाह से पहले अपने जीवन में मस्ती मजाक और जैसे कि पूरा जीवन जो है अपना खुशहाल में जीती थी, वो आज निराशापूर्ण अपने पति और अपने बच्चे के सेवा में पूरा जीवन को गुजार दे रही है, यही जो है शाम के छाया मंडराने का मतलब है। अब कहेंगे सर ठीक है, आप याद करवा दिए, ठीक है, लेकिन इसका नोट्स दे देते बड़ी बढ़िया होता, काहे कि नोट्सवा से जो है एक बार हम नियो के पढ़ लेते हैं तो और मजा आ जाता। एकदम देंगे सर, आपको कुछ नहीं करेला है। प्ले स्टोर आपके फोन में है, वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास फोन है, प्ले स्टोर ओकरा में होगा, वहां से जाना है, एगो SGS क्लासेस अप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब देखिए SGS क्लासेस के डुप्लीकेट अप्लीकेशन ढेर मानी बन गई है, तो आपको याद रखना है उस पे सनी सर का फोटो लगल है और ब्लैक शर्ट पहना हुआ फोटो लगल है, वो वाला अप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसी में आपको हिंदी पहले अप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद हिंदी का एक कोर्स आपको खुल के आएगा, और हिंदी का कोर्स जो है 199 का कोर्स है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपको दिया जाता है, ठीक है। मात्र 199 में पूरे साल भर के हिंदी के कोर्स
कोर्स का दाम है। इंटरेस्टेड लोग जाएंगे और नहीं पढ़े वाले लड़का नहीं डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। अरे बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिला है, क्वेश्चन पूछ ले कि लेखक और मालती के बीच में कौन सा रिलेशन था। लेखक के दूर के रिश्ते के बहन लगती थी कौन, मालती। यही तो संबंध था, लेखक के दूर के रिश्ते के बहन लगती थी मालती, लेकिन ये दोनों जो है आपस में सखी की तरह रहता था। सखी मतलब दोस्त की तरह रहता था और रहती थी, काहे कि बचपने से ही लोग साथ में पढ़ा है सब, साथ में रहा है सब। ठीक है, ये तो आंसर रहे कि लेखक के दूर के रिश्ते के बहन थी मालती, है कि नहीं। आगे आगे, अरे बहु वाला ये सब क्वेश्चन है। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दें। बउआ वाला क्वेश्चन वहाँ बार बार पूछ देवती, सब जो लड़का में पढ़ रहा था नर्सरी क्लास में, आइए तो नहीं जानते हैं। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, तो मालती के पति की ऐसी छवि हमारे मन में बनती है कि जिस प्रकार एक साधारण महिला के पति अपने बच्चे और घर को संभालने के लिए काम करते हैं, वैसे ही महेश्वर भी मालती और अपने बच्चे को संभालने के लिए एक हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर का। ठीक है, आइए आगे। कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति यही अर्थ रखता है कि महेश्वर अपने बाल बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए दिन भर जो है काम करता है, जैसे एगो साधारण परिवार में एगो पति जो है अपने पत्नी और अपने बच्चों के लिए काम करता है, बस यही तो है। अरे बताए नहीं, सब हिंदी दुनिया के आसान सब्जेक्ट में से आप एक पढ़ रहे हैं। ग्रैगीन क्या है, ग्रैगीन, आइए। ग्रैगीन जो है एक प्रकार का बीमारी है जो इन्फेक्शन के द्वारा होता है, हम कहानी में भी बताए थे आपको। ग्रैगीन एक प्रकार का बीमारी है जो इन्फेक्शन से होता है, अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में कांटा चुभ जाता है तो कांटा चुभने के बाद जख्म होता है, और अगर उसका आप इलाज नहीं करवाते हैं तो वही जो है ग्रैगीन नामक बीमारी बन जाता है। सिंपल सा एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि कांटा चुभने से जो बीमारी होता है ओकरो ग्रैगीन कहते हैं, अन्यथा ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रैगीन एक प्रकार का बीमारी है जो इन्फेक्शन से होता है, कांटा चुभने के बाद अगर हम लोग उसको निकालते नहीं हैं, इलाज नहीं करवाते हैं, तो कुछ दिन बाद वो ग्रैगीन नामक बीमारी बन जाता है। ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन, कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। पूरा कहानी आपको पढ़ाए थे सर, उसमें से कब कब हम रोज दिया जो है नाम लिए थे उन वाक्य को, तो एक वो तो वाक्य आपको मिलेगा जब पलंगवा पर से टीटी गिर जाता है तो मालती कहती है अरे एक रोज गिरते रहता है, यानी रोज ये गिरते रहता है पहला। दूसर का, जब पानी नहीं आता है, पानी 7 बजे आता है तो लेखक कहता है कि आज पानी नहीं आया, किस्मत खराब है, तो उस समय भी मालती कहती है अरे रोज ऐसा ही होता है, पानी लेट आता है। दो गो मिला। तीसरा, जब जो है खाना खाने महेश्वर लेट आते हैं तो कहते हैं लेखक कि आज आपने लेट कर दिया, तो फिर मालती कहती है कि ऐसा रोज होता है। और फिर जो है लेख महेश्वर जो है जाता है हॉस्पिटल में जांच करे शाम के, तो आता है लेट, तो फिर लेखक कहता है कि आज आप बहुत लेट कर दिए, तो फिर महेश्वर कहता है कि रोज ही ऐसा होता है कि एक दो मरीज इमरजेंसी में आ जाते हैं, हमें इलाज करना पड़ता है। तो रोज जहाँ जहाँ उपयोग हुआ है, जहाँ जहाँ से चुन के ओकरा लिखेला है, तो ये सब तो बउआ में हमने के सीखले रही सकी चुन के लिखेला कैसे है कि नहीं। अरे हिंदी दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सर। आइए आश्रय स्पष्ट कीजिए, आश्रय मतलब कि एक मतलब बतावेला है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, मुझे ऐसा लगा, अरे कलर चेंज मत हो यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है, मैं भी वैसी ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर और जैसे मालती। लेखक जब जो है
बात करता है, जिसे बात मालती से करता है, तो मालती भी एगो कोना में बैठ रहती है आ इहो जो है एगो चारपाई पे बैठ के आम जो है पेपर पढ़े लगता है। तो ये उसी समय सोचता है कि अरे मेरे ऊपर भी जो है इस शाम के छाया मंडरा रही है। एक मतलब तो नहीं समझिए, आश्रय स्पष्ट करेला है, आश्रय स्पष्ट, आश्रय स्पष्ट करेला कहे चाहे अभिप्राय स्पष्ट करेला कहे, लिखते हैं कैसे, निम्न प्रस्तुत वाक्य जो है रोज सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी के द्वारा लिखा गया रोज कहानी से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि इस घर पे जो छाया मंडरा रही थी, जिसने मालती को अपने वश में कर लिया, और जो खुश रहने वाली मालती, जो हमेशा चंचल रहने वाली मालती, आज उदास है, आज निराश है, वही शाम की छाया जो है लेखक कहता है कि हमें भी अपने अंदर जो है ढकेल रही है, यानी अपने अंदर खींच रही है और हमको भी शांत कर रही है यह शाम की छाया। नहीं समझ में आया? अरे फिर से समझते हैं, आइए तनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो शाम की छाया गिरी हुई है, वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। प्रस्तुत पंक्तियाँ सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी द्वारा लिखित कहानी रोज से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि लेखक यह कहते हैं कि जिस प्रकार यह घर पर जो शाम की छाया मंडरा रही थी, जिसने मालती को अपने वश में करके, जो मालती चंचल रहती थी, खुश रहती थी, उसको शांत और नीरस कर दिया है, वही शाम की छाया लेखक कहता है कि मेरे को भी जो है उदास कर रही है, शांत कर रही है, अकेला महसूस करवा रही है। यह तो एक मतलब था यार, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट नेक्स्ट, आठ नंबर क्वेश्चन। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, कहानी में घंटों की इन खरकों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है, घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? जब 3 बजता है मालती कहती है 3 बज गए, 4 बजता है मालती कहती है 4 बज गए, एकदम थकल लेखा है। 11 बजे रात के खाना खेला के बाद सुतल रहती है, फिर 11 बजे के घंटी बजता है 11 बज गया। कहानी में घंटों के इन खरकों के साथ साथ मालती की उपस्थिति क्या है? मालती की उपस्थिति है, घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? मेन क्वेश्चन यही है कि घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है। घंटा बजने से मालती का यह संबंध है कि घड़ी की घंटा जैसे जैसे बजता है, मालती यह सोचती है कि मेरा जीवन जो है इतना बीत चुका है और आगे जो है बिताना है। फिर से सुनिए, घंटा बजने से मालती का क्या संबंध है? तो घंटा बजने से मालती का यही संबंध है कि मालती घंटा जैसे जैसे बजता है, वो समझती है कि मेरा जीवन उतना जो है व्यतीत हो गया है। ये सब रटे वाला चीज़ है, आप रटेंगे कहीं वो याद हो सकता है? अरे हिंदी है जी, हिंदी। चलिए आइए आगे समझते हैं। अभिप्राय स्पष्ट करें, अभिप्राय क नंबर, 2 क्वेश्चन है तो एगो क नंबर लिख दिया है। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए, चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गमय नहीं। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हम कहे हैं कि अभिप्राय लिखेला रहे आ चाहे आश्रय लिखेला रहे, पहले हमने के क्या करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी के रोज कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति में लेखक कहता है कि मैंने आसमान की तरफ मुंह करके देखा तो चीर के वृक्ष जो गर्मी के कारण सूख गए हैं, उसके पत्ते थोड़े मटमैले, मटमैले मतलब कि गंदे हो गए हैं, वह धीरे धीरे आपस में कुछ राग गा रहे हैं जिसे कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन ये राग कोई किसी को जबरदस्ती चीर के वृक्ष सुनाना भी नहीं चाहता है। फिर से ठीक है,
मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए, चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों, कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्गमय नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां आगे जी के कहानी रोज से लिया गया है। इस पंक्ति में यह कहा गया है कि लेखक रात को आसमान के तरफ मुंह करके यह कहते हैं कि चीर के वृक्ष जो गर्मी के कारण सूख गए हैं, हल्के मटमैले हो गए हैं, वो आपस में धीरे धीरे कोई राग गा रहे हैं जो राग कोई सुन नहीं रहा है, आई राग चीर के वृक्ष किसी दूसरे को सुनाना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, यही जो है इसका अर्थ था। एंड नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलेंगे। ख नंबर जो है इसका अर्थ भी बड़ी मज़ेदार है, आइए समझते हैं। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धृत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या है भगवान। लेखक यहाँ पे कहता है, आइए इसके आंसर को डायरेक्ट हमने के सुन लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ अगे जी की कहानी केकरा से, रोज से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लेखक यह कहता है कि वही मालती जो विवाह के पहले खुश रहती थी, चंचल रहती थी, जिसे पढ़ना पसंद नहीं था, आज समय ऐसा हो गया है कि वह मालती जो है अपना जीवन जो है काट रही है, धीरे धीरे बिता रही है, नीरस भरी जिंदगी को बिता रही है और एक अखबार के पन्ने को पढ़ने के लिए तरस रही है। बात आपको समझ में आया, कितना बढ़िया अर्थ कहा है। यही से हम कहते हैं कि अगर आप एक लड़की हैं तो अपने मुकाम को पाइए, तब जो है शादी कीजिए, नहीं तो जिंदगी भर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना होगा और वो आपका हमेशा शोषण करेगा, याद रखिएगा। तो अगर आप एक लड़की हैं तो मन लगा के पढ़िए, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचिए कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है, आगे तनी मनी हमने के समझते हैं। 10 नंबर, इसका एक बार और अगर हम समझा दें तो लेखक यही कहता है कि मालती जो बचपन में खुश रहती थी या शादी के पहले खुश रहती थी, जिसे पढ़ना पसंद नहीं था, शादी के बाद जो है वो पढ़ने के लिए तरस रही है, खुश नहीं रह रही है, शांत रह रही है, यही अर्थ था। 10 नंबर, कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में बताना है। गांव में नहीं कहते हैं कि एकर चरित्र देखे तो वो कैसन है, तो मालती के चरित्र के बारे में बताना है। आइए तनी हम आपको बता देते हैं। कहानी के आधार पर मालती का चरित्र भी जो है एक साधारण लड़की की तरह है, जो बचपन में अशांत रहती है, मतलब कि चंचल रहती है, खुश रहती है, जिसे पढ़ना पसंद नहीं होता है, मस्ती करना पसंद होता है। विवाह होने के बाद वही लड़की जो है अपने बाल बच्चे, अपने पति को संभालने के लिए पूरा जिम्मेदारी ले लेती है और अपने जीवन को अपने परिवार के लिए त्याग देती है, यही मालती का चरित्र का वर्णन है। ठीक है, कि वही लड़की जो बचपन में यानी विवाह से पहले खुश रहती थी, पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता था, हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती करती थी, विवाह के बाद इतना प्रेशर पड़ा, पढ़ने के लिए तरस रही है, अपने बाल बच्चे को संभालने में ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो गया, जैसे वो साधारण महिला के हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है सर, बच्चे से जुड़े प्रसंगों पर ध्यान देते हुए उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। इस कहानी में बच्चे से जो बच्चा है वो टीटी था, टीटी नाम था बच्चा के, मालती के जो है वो बेटा था। ठीक है, तो टीटी जो था इसके बारे में जो कहानी में लिखा गया है उसका जो है आपको कुछ बताना है। तो इस कहानी में बच्चे के प्रसंग से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे एक साधारण महिला को अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, रोने पे उसको जो है स्तन से लगा के दूध पिलाना, उसको जो है अगर वो सो नहीं रहा है तो उसको सुलाना, और अगर वो ज़्यादा रो रहा है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ के चले जाना, वैसे ही मालती भी जो है इस कहानी में एक साधारण महिला की तरह अपने बच्चे से प्यार करती है, अपने बच्चे से दुलार करती है। यह सब बात तरह है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। अब बताओ कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है तू लोग के याद नहीं हुआ,
कोनो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको याद नहीं हुआ होगा, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन था, ये सब नर्सरी क्लास में हमने के पढ़ेला था, लेकिन ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। आइए तनी मानी जानते हैं, SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से PDF आप लोग जो है ले लीजिए। अब PDF जो है एक बार आप जरूर जो है पढ़िए, ठीक है। SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद आपको जो है हिंदी के कोर्स को जो है ज्वाइन करना होगा। हिंदी के कोर्स जो है अरे 199 रुपया है, यही कब तक है, जब तक हमारा बर्थडे नहीं आ जाता है, 9 सितंबर तक जो है ये 199 है, ओकरा बाद 399 होगा कि 499 कोनो नहीं जानता है। आप अगर इस वीडियो को 9 सितंबर से पहले देख रहे हैं तो 199 रुपये में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।